अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, रमज़ान मुबारक। आई होप यू आर फाइन। माय नेम इज़ मिस नबीला, आई एम फ्रॉम ISES स्कूल सिस्टम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई एम ग्लैड टू बी हियर टुडे टू टॉक टू यू। इफ यू कवर दिस लेक्चर, यू आर श्योर टू लिसन मी केयरफुली। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। The purpose of this presentation is to help you in understanding chemistry. Class 9th chemistry, lecture number 10. We are on lecture number 10. I hope so, आप लोगों ने first 9 lecture clear कर लिए होंगे, अपना class task भी complete कर लिया होगा। और उसमें first 9 lecture में हम लोगों ने unit number 1 clear किया है। unit number 1 भी वो clear किया जो हम लोगों ने आधा school में पाल दिया था। तो आप लोगों को एक एक चीज़ मतलब थोड़ी थोड़ी समझाई गई है। तो आई होप सो आप लोगों ने ये काम क्लियर कर लिया होगा। नाउ वी आर ऑन यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब हम यूनिट नंबर 2 पे हैं। यूनिट नंबर 1 सारा क्लियर हो गया था, आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई। यूनिट नंबर 2 लेक्चर्स कल्चर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, मेजर कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप्स। ये हम लोगों ने मेन जो हमारे पास लेक्चर्स है, हम लोगों ने मतलब मेन जो टॉपिक्स है वो हमारे पास ये है कि हम थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन डेट रदरफोर्ड मेड द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल ने कैसे एक्सप्लेन किया था वो पढ़ेंगे, देन हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे कि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कैसे बना था, फिर हम लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफाइन आइसोटोप्स, कंपेयर आइसोटोप्स टू एन एटम, कंपेयर आइसोटोप्स को एटम के साथ कंपेयर करेंगे, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ HClU। ये हम लोग पढ़ेंगे यूरेनियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कोरोलिन, यूरेनियम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप को ड्रॉ स्ट्रक्चर करेंगे फ्रॉम द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, स्टेट द इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग प्रेजेंट ऑफ अपर शील्ड इन शील्ड पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे शील्ड और अपर शील्ड में क्या फर्क है, फिर हम लोग राइट में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट 18 एलिमेंट कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है इसका यूनिट का, जो हमारे पास एसेंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेसिट, उसने हमारे पास, ये हमारे पास इसका नाम है, इसने सजेस्ट किया था डैट मैटर इज कम्पोज बाय टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल का मैटर। इसने ये इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारे पास जो टिन्नी जो होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, जो इनडिविजिबल होते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आ सकते, वो पार्टिकल जो होते हैं, वो जो पार्टिकल्स है वो एटम्स कहलाते हैं। द नेम एटम वॉज डिलीवर्ड बाय लैटिन वर्ड एटमस, ये हमारे पास लैटिन वर्ड है एटमस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, नज़र ना आना। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डेल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। जो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के आगाज में जॉन डेल्टन ने फॉरवर्ड की थी, मतलब पुट फॉरवर्ड की थी कि बनाई थी थ्योरी के फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी थ्योरी बनाई थी एटॉमिक थ्योरी बनाई थी अकॉर्डिंग टू इट इस अकॉर्डिंग एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल एटम। इस थ्योरी के मुताबिक था कि जो ऑल मैटर्स है वो हमारे पास जो बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल है और इनविजिबल पार्टिकल है, इनविजिबल पार्टिकल है जो आम आंख से नज़र ना आ सके, हमें से आँख से नजर ना आ सके, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के बाद उसने ये कहा था, जब 19th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी, इट वॉज कंसिडर्ड डेट एटम कैन बी सब डिवाइडेड। जो हम लोग, उसने ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो कैन नॉट सब डिवाइडेड होते हैं, कि वो डिवाइड नहीं हो सकते। हाउ वेर इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, फिर 20th सेंचुरी के आगाज में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाई गोल्डस्टीन, जे.जे. थॉम्पसन, रदरफोर्ड बोर एंड अदर साइंटिस्ट रिवील डेट एटम इज मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 20th सेंचुरी के आगाज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे गोल्डस्टीन, जे.जे. थॉम्पसन ने और रदरफोर्ड और बोर,
इन साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो एटम है वो मेड अप ऑफ होते हैं सम सब एटॉमिक पार्टिकल, कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल के बनते हैं, बहुत मतलब पार्टिकल से मिल के बनते हैं। लेकिन जो पुराना था, जो हमारे पास फिलोसोफर डेमोक्रेट था, उसने कहा था कि ये हमारे पास सब वर्ल्डवाइड होते ही नहीं है। लेकिन जो 20वीं सदी के खास में इन लोगों ने कहा था कि ये थॉमसन रदरफोर्ड बोर है, ये हमारे पास जो एटम होते हैं ये मेड अप ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विल बी डिस्कस इन द चैप्टर। हम लोग प्रॉपर्टीज सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 28, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू द डेल्टन एन एटम इज अ डिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। जो हमारे पास डेल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर होते हैं, मतलब हार्ड भी होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं कि नजर ना आ सके। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स उसके अलाइक होते हैं, सेम होते हैं। वे कमान डिफरेंट वे टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये हमारे पास डिफरेंट वे से बनते हैं कि एक लेफ्ट साइड से कंबाइन हो रहा है एटम, एक राइट साइड से कंबाइन हो रहा है, इस तरह ही ना डिफरेंट वे से कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। इन द लाइट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, अगर हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की लाइट में मतलब इसकी रोशनी में पढ़े कि साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस साइंटिस्ट ने भी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, बट इन द लेट 1800s एंड अर्ली 19th, ये हमारे पास सेंचुरीज है, इन 1900s साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल। इसने भी डिस्कवर किया था सब एटॉमिक पार्टिकल इन 1886। गोल्डस्टीन डिस्कवर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। जो गोल्डस्टीन जो था उसने डिस्कवर किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसके ऊपर प्लस साइन होता है वो हमारे पास प्रोटोन कहलाते हैं। इन 1897 जे थॉम्सन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो जे थॉम्सन ने ये 1897 में ये मतलब डिस्कवर किया था जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश डेट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमारे पास एस्टैब्लिश होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब बहुत सारे पार्टिकल ऑफ मैटर से मिलके बनते हैं। बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थी, थॉम्सन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। इसने भी एक प्लम पुडिंग थ्योरी फॉरवर्ड की थी। ही पोस्टुलेट दैट एटम वर सॉलिड। इसने ये कहा था कि जो एटम होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, उसका स्ट्रक्चर ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स, इसके ऊपर टिनी नेगेटिव छोटे छोटे स्मॉल और नेगेटिव साइन जिसको बोलता है वो हमारे पास पार्टिकल होते हैं। इट इज कॉल्ड प्लम इन द पुडिंग। इसने ये मतलब थ्योरी फॉरवर्ड की थी। कैथोड रे एंड डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे कैसी हुई थी? ये हमारे पास सर विलियम क्रूक थे, ये वॉज ब्रिटिश साइंटिस्ट है, केमिस्ट है एंड एंड फिजिकल। इट वॉज एक्सपीरियंस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, उसने वैक्यूम ट्यूब मतलब डिस्कवर की थी। पहले हम लोग कैथोड रेस एंड डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इन 1879 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। इसने ये कहा था कि इसने परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किया था बाईपासिंग इलेक्ट्रिकल करंट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी थ्रू गैसेस, गैसेस के थ्रू इन द डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई थी एट वेरी लो प्रेशर और बहुत कम प्रेशर में लगी हुई थी। ही टुक अ गैस ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे, ये हमारे पास टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स है, विच वर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज बैटरी। ये हमारे पास एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड थे, ये हमारे पास दो है, ये हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है, बैटरी है इसका कनेक्ट थे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड थे। इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड। ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होगा तो एनोड होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा तो कैथोड होगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारे पास बैटरी के साथ कनेक्ट हो रही है और बैटरी जो है वो हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है। जो हाई वोल्टेज बैटरीज है वाज पास थ्रू द गैस, ये हमारे पास पास हो रही है विद गैस से। शाइनिंग रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो शाइनिंग रेज है वो हमारे पास एमिटेड हुई है फ्रॉम द कैथोड, एमिटेड मतलब निकली है कैथोड से, विद ट्रेवल टूवर्ड द एनोड, जो हमारे पास एनोड की तरफ ट्रेवल हुई है, एनोड की तरफ गई है। दिस रे वर्ड गिवन द नेम ऑफ कॉल कैथोड रे। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर इसलिए कैथोड रे कहा था क्योंकि ये कैथोड रे से हमारे पास जो रेस थी शाइनिंग रेस वो एमिटेड हुई थी। एज दे वर ओरिजिनेट फ्राम द कैथोड, वो ये बात कि ये कैथोड से निकली थी इसलिए इसको कैथोड रेस कहा गया था।
And now, next page 29, the cathode ray was studied in detail and their property are determined which are given below. ये cathode ray की property है जो हमारे पास determine करती है, given below है, नीचे है. These rays travel in straight line. ये हमारे पास जो rays थी, ये हमारे पास straight line में travel हुई थी. Perpendicular to a cathode surface. ये perpendicular to a cathode surface. Perpendicular यही होता है ना, ये वाली चीज़ और इसका perpendicular बना रहा है. ये चीज़ है cathode है तो इसका perpendicular ही बना रही है ना rays. तो ये एक perpendicular to the cathode surface थी. They can cast a short shadow of an optic object if placed in its path. ये हमारे पास short shadow की मतलब इसका object था और place कर रहा था इसके path में. They are deflected toward positively placed. ये हमारे पास deflected करती थी positively placed से. और इन द इलेक्ट्रिक शील्ड शो इन दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज. ये हमारे पास डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली प्लेट डिफ्लेक्ट कर रही है तो ये इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज शो कर रही है. द रेस्ट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन विच दे फॉल. ये हमारे पास राइस टेम्परेचर था इसके बॉडी का था जो हमारे पास फॉल कर रहा था. ये थॉम्सन डिस्कवर डैट चार्ज मैस रेशो. इसने डिस्कवर की थी चार्ज मैस रेशो थी ई डिवाइडेड बाय एम रेशो. मतलब इसने डिस्कवर की थी लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दिस रे हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. लाइट तब प्रोड्यूस हुई थी जब ये जो रेस थी ये हमारे पास हिट कर रही थी, टकरा रही थी फ्रॉम द वॉल वॉल ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकरा रही थी तो ये हमारे पास लाइट प्रोड्यूस कर रही थी. इट वॉज फाउंड डैट द सेम टाइप ऑफ रेस आर एमिटेड. इसने फाउंड किया था, इसने ये नतीजे निकाला था जो सेम टाइप ऑफ रेस था वो एमिटेड हो रही है. और नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोडियम एंड विच कैथोड या यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब. जो हमारे पास कैथोड यूज हो रही है कैथोड रेस यूज हो रही है डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें हम लोगों ने ये फाउंड किया था कि इसकी जो एमडिट हो इसकी जो रेस है वो एमडिट हो रही है. ऑल दिस प्रॉपर्टी सजेस्ट डेट नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब मटीरियल ऑफ अ कैथोड. ये इसकी प्रॉपर्टी ये सजेस्ट कर रही थी कि जो नेचर ऑफ कैथोड है ना वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर है. मतलब इसकी इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये खुद बहुत मतलब इंडिपेंडेंट है. ये हमारे पास गैस प्रेजेंट हो रही है और डिस्चार्ज ट्यूब से मतलब वर्क कर रहा है. द फैक्ट डैट दे कॉज द शेडो ऑफ द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट सजेस्ट डैट दे आर नॉट रेज. इसने जो हमारे पास ऑप्टिक ओपिक ऑब्जेक्ट था इसने ये सजेस्ट किया था जो ये हमारे पास रेज नहीं है. दे आर फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल. ये हमारे पास बहुत तेज़ी से एक मटीरियल है वो हमारे पास पास कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं. दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन. ये जो हमारे पास जो रेस थी जो फिर उन्होंने कहा है कि ये रेस नहीं है, ये हमारे पास मूव मटीरियल पार्टिकल है और इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया था, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये रेस नहीं है, फिर ये फाइंड किया था ये हमारे पास रेस मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. दे वर नेम द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द मटीरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल. इस तरह ही और मटीरियल भी इस सेम प्रोड्यूस किए थे पार्टिकल. इट मीन ऑल मटीरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है कि ऑल मटीरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं. एज वी नो मटीरियल आर कम्पोज ऑफ एटम्स हिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम. इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है. आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर. नाउ योर होम टास्क राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे. ये आप लोगों को कैथोड रे के बारे में पढ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी है. ये आप लोगों ने काफ़ी में लिखनी भी है और याद भी करनी है. आई होप आप लोग सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा. ये जो चीज़ें हैं इनकी किस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ की थी ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटॉन किसने मतलब डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्लम पुडिंग थ्योरी किसने डिस्कवर की थी. तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ें माइंड में रखनी है और याद करना है, सारी चीज़ें याद करनी है. मतलब सारी सारी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये मेन चीज़ है. तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर तैयार करनी है और कॉपी में नोट डाउन करनी है. नाउ योर डायरी इज योर नंबर टू. लर्न द रीडिंग डू एंड मेमोराइज योर होम टास्क ऑन योर नोटबुक. आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क. डू योर होम टास्क बिफोर प्रेजेंटेशन. अल्लाह हाफिज़. जब तुम चार्ज मिसने मिला स्टे होम स्टे से.